भगवान विष्णु मंगलमदरुद्धरम मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किमु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचो केशव मत्स्यं कुर्मवरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मत्सूद्रं पद्मनाभं सहस्राणि मनमाली मलायुगं गोवर्धनं विश्वेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं ऋषिरूपं वासुदेवं रामं नारायणं दामोदरं सीदं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पादिकं गवामि कोटिपदानस् अश्वमेधस्य कन्यादान सहकालं फलं प्रपोति मानव अमाया व्यापौर्णिमा एकादशीं तथे च संध्या कालस्मिन् प्रातः काले तथे च मध्याहे च जिप्नि सर्व पापे प्रमुच्यते सुमुक्षय गदन्तस्य कपिलो गजगणा लम्बोदरस्य विग्रह विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुगणा अध्यक्षो भागचंद्रो गजानन उगादि चैतानि नमानि आपटिकृळु याति विद्यारम्भे विवाहे च उपदेशे निर्णमे तथा संग्रामे संकटे जय विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बर धर्मदेवं च शिवानं चतुर्भुजं प्रसन्नवन्दनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते व्यासं वसिष्ठदत्तारं शक्तये पुत्रं कल्मषं पराशरराजमजे वन्दे सुकृतार्थं तपोनिधं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मादिदे वशिष्ठाय नमो नमः और बड़ा भाई जी शॉट शुरू हो जाएगा तब ले लेना। अब वर चौथे फेरे का संकल्प लेकर के चौथा फेरा। हाँ एक मिनट पहले सुन लेंगे आप लोग चलो लाओ गप्पू ओके बास के साथ अपनी बहन की शादी होने नहीं दूंगा मैं। राज, खबरदार तो और तमाशा दिखाया, सब इसकी वजह से हो रहा। हाफ स्टेप सही है बहुत बढ़िया। मैम कंटिन्यू। राज भाई राइट थोड़ा सा या बोले एक बार बात सुन ले। समन जी, किसी भी शादी में लड़के खबरदार नहीं होता। अरे ये आपकी बहू है इसलिए आप लोग सब खामोश हैं, लेकिन हम उसकी नौटंकी क्यों बर्दाश्त करें? और वैसे भी वो आपके बेटे की जिंदगी से चले जाने वाली है। अरे निकाल फेंकिए इसे घर से। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभी से धक्के मार के बाहर निकलता हूँ। ठीक है अगर आपके बेटे को सकता बोली सकता बोली सकता की लाइन नाश्ते बिल्कुल सही कहा जी आपने, मैं अभी इसको धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। वाह संधी जी वाह, लगता है आपका बेटा बोल बिल्कुल सही कहा जी आपने, मैं अभी इसको धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। थोड़ा सा दोनों कैमरे के तरफ आ जाइए आपका बस नहीं चलता। अगर आप लोगों को अपनी बहू को सर पे बिठाना है ना तो बिठाइए, हम ये सब नहीं कर सकते। हम ये शादी यही तोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, नहीं करना मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में, नहीं करना। फेरे रुकवाए आपने, एक बात याद रखिएगा, अरे भोपाल में तो क्या कोई भी लड़का कहीं से भी आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। बोल 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 ये मैं
हम ये शादी यही तोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, नहीं करना मुझे अपने बेटे की शादी इस घर में, कभी नहीं करना। शादी रुकवाई आपने, याद रखिएगा। अरे भोपाल में तो क्या, कोई भी लड़का कहीं से भी आपकी बेटी शीला के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। अरे ये एक माँ का श्राप है। हमारी शीला की आप परवाह मत कीजिए, शराब और आपसे कुछ नहीं होता। और पुनर्विवाह, पुनर्विवाह आपका बेटे ने इस पुनर्विवाह का अपमान किया है, इस पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। उसे कोई हक नहीं बनता शीला की जिंदगी बर्बाद करने का, समझे आप? वो वापस गई कजरी के पास और कजरी का घूंघट उठाया। अभी शॉक, समझे आप? भाभी फिर से नाटक शुरू कर दिया ना आपने। मैंने कहा था ना आपसे और राज भैया से कि मेरी शादी से दूर है, लेकिन आप नहीं माने। रोहन पे कीचड़ उछाला था ना आपको, उछाल ही दिया ना आखिर। अरे बताइए कौन है वो लड़की जिसको लेकर रोहन को इतना बदनाम कर रही हैं आप, बताइए भाभी। सरिता वहां गई और उसका घूंघट हटाया, ये है वो। अरे जो तू नौकरानी है, क्या परिचय करवाई इसका? ये घर की नौकरानी है, हमेशा घूंघट में ही रहती है। और आप नौकरी इतना इधर इज्जत करते हैं ना, ये सब देख लीजिए। सबसे पहले राज ये बताइए कि इतना बड़ा ड्रामा हो गया बीच में एकदम शादी के बीच बीच, क्योंकि शादी है तो डेली सोप में ड्रामा तो चलता ही है। और इस बार रोहन और शीला की शादी थी तो रोहन जो है बड़े ही बदमाश किस्म के कैरेक्टर हैं, तो उनका भांडा फोड़ना था और अपनी बहन को बचाना था, तो बस वही हो रहा है। अच्छा मतलब अंदर से इतने मतलब रोहन इस तरह के थे हाँ। और धोखा दे रहे थे, शादी करने चले थे। जी बिल्कुल, धोखे से शादी तो हो रही थी, बट अभी कुछ रिवील हुआ कि इतना भी बुरा नहीं है। थोड़ा सा एक मोटिव था उनका, एक प्लान था, वो प्लान रिवील करेंगे कि किस लिए ये सब हो रहा था, बट शादी तो धोखे से हो रही थी। जी बिल्कुल, वो नौकरानी ही है मेरी, बट ऐसा दिखाया है। लेट्स सी आगे क्या सस्पेंस है, क्या कुछ है, प्यार में भेदभाव नहीं हो रहा हमारा। आप ही सबसे पहले आकर के सारा चीज को कर दिया। अच्छा ये बताइए आप अभी भी भरोसा नहीं कर रही है कि रोहन इस तरह का काम कर सकता है? हाँ अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन बाद में जब वो खुद बोलते हैं अपने मुँह से कि जो भी बोलते हैं तो फिर यकीन कर लेते हैं। बोल दो क्या बोलते हैं, हमारी टेलीकास्ट के बाद ही डालेंगे। कह रहा हमने सुना सब इल्जाम सरिता पर आया, घूम फिर के सब। देखिए डेली सोप की जो हीरोइन होती है, सारा इल्ज़ाम सारा श्रेय सारा क्रेडिट उसी का होता है, वही रैम्बो होती है और वही विलेन होती है। तो ये भी सरिता आके भेद खोलती है, वही जासूस बनती है, वहीं जाके एक्शन करती है। हम लोग तो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं सर, और यहाँ पे शीला की जान बचाने की बारी है, तो शीला की जान बचाने में जी हाँ सरिता का बहुत बड़ा हाथ है। और अभिषेक जो रोहन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका चिट्ठा खोलने में भी उन्हीं का हाथ है। सबसे बड़ा सपोर्टर राज है। जी जी सपोर्टर हूँ मैम, सपोर्टर 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 जिम में सपोर्टर में खेलते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको बीच में शादी इस तरह बेइज्जत होकर के और लड़के वाले के माँ बाप कह के जा रहे हैं कि अब शादी कहीं नहीं होगी, श्राप दे दिया है जी, क्या लगता है ये सब? हाँ सीरियसली नहीं लेते इन सब बातों को, श्राप वाप होते रहते हैं रोज। लेकिन सर एक लड़की का शादी टूट जाए तो कोई शादी करेगा नहीं? तो पूछिए लड़की से। मेरे भैया ने मुझसे वादा किया था पहले, हाँ भैया ने वादा किया बीच में से कहीं लूप देते रहो तीनों कैमरे में आएगी। इससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊंगा, तो लेके आएंगे ना भैया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पक्का तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना, सरिता के लिए लड़का ढूंढना, लड़के ढूंढने के लिए मुझे इस सीरियल में रखा गया। शोक और शो का रिवाज भी है, दो दो शादियां तो हो गई अभी तो, पहली शादी हां दो बीवी दो बीवी है ये। आपको इतना भरोसा है भाई पे, और वहां सीन में तो आप एकदम भाई के ऊपर कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन नहीं सीन के एंड में मैं भैया पे भरोसा करती हूँ और मैं ऐसे चुपके बोलती हूँ भैया पुलिस मंगा। प्यार अंधा होता है ना, भाई बहन सब गलत लगते हैं। ये चीज आपके भी तो लागू होता है ना, आपने भी तो प्यार किया था। जी जी मुझ पे भी लागू होता है ना, इसीलिए तो 10 साल मैंने अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया। प्यार अंधा होता है ना, तो ये भी इलॉजिकल है। भाई बहन दोनों अंधे हो? मतलब ये फैमिली में सभी अंधे हैं। और सबको बहुत बार प्यार होता है, बहुत बार प्यार होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, शादी वादी होती है, पुनर्प्यार। और कुछ ना, थैंक यू किसी की भी।